ना मोबाइल लीजिए ये ना नजला वन साहब ने देखो कहाँ से कहाँ से मिलने आया ना पहले सामान कमांडर जी आपको सारी चीज दे देंगे आप उनसे कॉन्टेक्ट नंबर लेके जाना खुशी तो देखो मेरे को बहुत है कि मैं देश के लिए एक छोटा सा कुछ कर तो पाई इंडिया के लिए लेवल तो ले पाई और किस प्रकार की समस्या आई है वो तो आज भी आ रही है स्पेशली फॉर कॉस्ट्यूम के लिए बोलते हैं कि जब अब मैं स्टेज पे खड़ी हूँ अब आपने देखा कि ये सब लोग कह रहे हैं मैम इसको उतारो जब मैं अगर इसको उतारूंगी नहीं तो बॉडी कैसे पता चलेगी तो लोग ये बोलते हैं कि अरे ये राष्ट्रगान बज रहा है इसको कपड़े तो पहना दो या फिर ऐसे बोलते हैं कि इसको यही कपड़े पहनने थे क्या देखो जिस कल्चर में मैं रहती हूँ ना उसमें मुझे ये साड़ी सूट ये परंपराएं निभानी पड़ती है और मैं वो निभा रही हूँ और जहाँ गेम की बात आती है ना तो मुझे वो मेरा कॉस्ट्यूम है वो मुझे पहनना पड़ता है तो इसके लेकर इसको लेकर अगर लगा लोग कमेंटबाजी कर रहे हैं तो वो गलत है क्योंकि देखो एक पुलिस वाला है चौराहे पे ड्यूटी दे रही है फीमेल और सामने उसका ससुर आ गया तो भाई वो पैंट शर्ट में पहन के किसी चलती हुई औरत का दुपट्टा लेके सर थोड़ी ना ढकेगी वो अपना फर्ज निभा रही है ना उसी तरह मुझे मैं भी अपना फर्ज निभा रही हूँ तभी आज मैं गोल्ड ले पाई हूँ मैं ऐसे जगह से आती हूँ बीकानेर से जहाँ से बहुएं है ना अपनी सास के सामने घूंघट में आती है और घूंघट में ही मर जाती है बच्चे भी हैं आपके हाँ मेरे दो बच्चे कैसे संघर्ष बच्चों को भी देखना होता है सब चीजें देखो घर परिवार तो सबको संभालना होता है और सक्सेस औरत के पीछे घर परिवार का हाथ होता है और संभालना तो देखो आज मेरी बेटी नहीं होती ना तो मैं आज यहाँ नहीं होती उसने मुझे संभाला है खाने पीने से लेकर कपड़े देने तक मैं कब आऊँगी कब जाऊँगी मेरा क्या शेड्यूल है मुझसे ज़्यादा उसने समझा है क्योंकि मैं तो मेरी तो 9 घंटे की जॉब होती थी जिम में और 9 घंटे की जॉब आप स्टैंडिंग जॉब खड़े रहने के बावजूद आप नहीं कर सकते आप थक जाते हो ना तो आपके कपड़े धो एक संडे मिलता है और संडे में आप कपड़े धोगे सोओगे अपने लिए मील तैयार करोगे क्या नहीं तो मेरी शख्स के पीछे मेरी बेटी का हाथ है आगे क्या टारगेट आप कौन सा लक्ष्य है जो आपने साधा है मेरा आगे लक्ष्य है यूनिवर्स जाना ओलंपिया जाना फिर उनके आगे कुछ स्टैंड नहीं है अब ये दो मेरे बड़े बड़े ड्रीम है वो मुझे पूरे करने सरकार मदद कर दे तो बहुत अच्छा है और अभी तक की नहीं की वो तो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता अगर होता तो मैं आपसे जरूर डिस्कस करती आप लोगों को पता चलता कि प्रिया के लिए क्या पैकेज निकला है क्या अनाउंस किया है और अगर सरकार इस वक्त भी नहीं करेगी तो मैं तो रुकने वाले वैसे भी नहीं हूँ मैं यहाँ तक देखो स्टेट का खेला जयपुर खेला और 3 बार मिस राजस्थान रही मैं बॉडी बिल्डिंग में मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेली है बहुत सारी उसमें भी मेरे को मेडल लगे हैं उसके अलावा मैं 2 बार इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित हूँ और अब ये इंटरनेशनल गोल्ड लगा है इंटरनेशनल प्रो कार्ड लगा है मुझे तो मैं सच में बहुत खुश हूँ यहाँ तक मेरी अगर मदद नहीं करी कोई बात नहीं आगे भी नहीं करेगी तो मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है कि भाई सरकार मदद करेगी तो प्रिया आगे खेलने जाएगी नहीं तो नहीं जाएगी सरकार मदद नहीं करेगी तो भी प्रिया आगे खेलने जाएगी और खेलती रहेगी जैसे आप मारवाड़ की तरफ चले जाओ मारवाड़ से ही लोग आए होंगे उनसे पूछो आज महिलाओं की यही स्थिति है कि शादी के बाद आप उनको 5 ही कलर पहनने हैं रेड मैरून येल्लो पिंक और ऑरेंज उसके अलावा महिलाओं के लिए कलर नहीं बने देते ही नहीं है और रही बात आगे जाने की तो देखो मैं हर फीमेल से ऐसे कहती हूँ कि अपना भविष्य खुद बनाए दूसरों पे डिपेंड नहीं रहे चाहे वो गेम हो चाहे वो पढ़ाई हो चाहे सिलाई हो किसी भी प्रकार का हो आप अपना बेस्ट देंगी अपने लिए करेंगी किसी और के लिए नहीं करेंगी और बेटों के नाम से तो अक्सर पिता जाने जाते हैं आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे पल लाइए कि पिता अपनी बेटियों के नाम से जाने जाए कि ये किसका पिता है ये उसका पिता है और जो ये क्राइम हो रहा है उसको आपसे बेहतर कोई नहीं रोक सकता ना तो घर वाले रोक सकते हैं ना सरकार रोक सकती है ना प्रशासन रोक सकती है आज मैं वहाँ हूँ आप ये मत सोचिए कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ होता है गलत पर मैं उसका पलट के जवाब देती हूँ
डरती थोड़ी ना हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक लफड़ा हो गया था पुलिस वाले के साथ में, उसने मेरे को गाली दे दी, हो गई आता भाई मेरी। अगर मैं नहीं करती तो क्या होता? आज मैं मेरे साथ हुआ है, कल दो औरतों के साथ और होता होता ना। तो आप अपना फ्यूचर खुद डिपेंड करें, और ये जो सोशल मीडिया पे जो जो ट्रेंड चल रहा है ना बहुत गलत गलत, उसको फॉलो ना करें। अगर आज मैं उसको फॉलो करती तो आज इस जगह मेरी फोटो नहीं होती, आज ये मीडिया भाई साहब है ये मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आए। जो भी करो अच्छा करो, बेस्ट करो, आज नहीं दो साल बाद सफलता मिलेगी, चार साल बाद मिलेगी सफलता आपको जरूर मिलेगी। देखो सभी का है, पर मेरे सब ने मेरे को यही कहा है घर वालों ने कि जिसने सच में तेरे लिए किया है तू उसी का नाम ले। और मैं कहते हैं ना किसी को बनाने वाले किसी की मशीनें आती है, मैंने खुद ने खुद को बनाया। मैंने कैसे अपनी बाइसेप बनाई है, कैसे शोल्डर बनाए हैं, कैसे लेग्स बनाए हैं, तो मेरी मैं खुद की कलाकार मैं खुद हूँ। वैसे आप अपनी कलाकार खुद हो तो गलत रास्तों पे मत जाइए। आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, आप उनसे बचिए, जो सही है वो करिए। अक्सर आपने देखा होगा लड़कियाँ भटक जाती है और उसी 20 साल बाप ने दिए तो किस पे इल्ज़ाम लगाती है, मेरा बाप ऐसा मेरी माँ ऐसी। नहीं, माँ बाप अगर गलत होते तो आज आप ना 20 साल के होते ना 15 साल के होते, वो उसी टाइम गला दबा के आपको मार देते। तो अच्छे बुरे की पहचान आप खुद करिए। दोनों ये मिठाई उठा ले, उनको दिया। बसंत कल आ गए होंगे। नहीं, उन्हें सबको जानती हूँ, 5 साल से जानती हूँ। रिपोर्टर को भेज दिया, उसको वो कहता है मुझे प्रिया से मिलना है। जी सर बताएं। यशवंत जी 1 जनवरी को तो मेरे 3 प्रोग्राम है ना, 2 Enjoy your Christmas at Nishamani Restaurant and Convention Hall with first ever real Santa Claus and Seafood Festival in Cuttack. For booking contact 760-986-7847 and 732-88-57847.